सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो मेरे बारे में होने वाला है, कुछ टीनेज मिस्टेक्स जो कि मैंने पर्सनली करी और जिनसे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि मेरे आज बहुत ज़्यादा काम आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी भाई मुझे देखते जो न्यूली टीनेज में एंटर हुए ही हैं या मिड में हैं, वो ये सारी चीज़ें पहले थोड़ा सा जाने और ये गलतियाँ ना करें। और इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो सभी कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका अलग एक्सपीरियंस होगा, सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अपनी टीनेज लाइफ का। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे कि उन्हें भी फायदा मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट्स, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। जी हाँ, ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक जो मैंने करी थी। अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हो ना, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि बचपन में क्या होता है ना कि जैसे हमें किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे कोई हमारा बड़ा भाई है, उसने बोल दिया कि चल मैं तुझे ये दिलाऊंगा, अब पापा ने बोल दिया कि परसों मैं तुझे रिमोट कंट्रोल कार दिलाऊंगा, तो क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और भाई रातों में ना नींद तक नहीं आती उसके चक्कर में। फिर जब हम एक्सपेक्टेशन अपनी लगा लेते हैं ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनके लिए तो एक छोटी सी चीज़ होती है कि चलो किसी बच्चे को बोल दिया, अब वो अपने काम में बिजी हैं। बट जब हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है उस दिन भाई, हमें वो चीज़ नहीं मिली, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ कितना ज़्यादा दुख होता है, आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो फिर जब धीरे धीरे एज बढ़ती होती है तो एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होने लगती है। मेरी कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस ये नहीं रही कि भाई कि मुझे कोई अपना पैसा दे या कोई गिफ्ट्स दे मुझे बहुत महंगे महंगे, ऐसी मेरी कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही किसी से। बट हाँ, मेरी टीनेज लाइफ में मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरे सभी से ये एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा या इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, जब तक हम एक्सपेक्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन टूटती है, और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हाँ, कभी कभी हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें ज़्यादा भी मिल जाता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें मैं 17 की एज में जाकर अच्छे से समझा कि भाई आज तक क्या क्या होता हुआ आ रहा है कि मैं एक्सपेक्टेशंस लगाता हूँ लोगों से और फिर जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए मैंने लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाना धीरे 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 बंद करा और उसका फ़ायदा मुझे आज भी होता है। इन सभी चीज़ों ने मुझे मेंटली अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ भाई, जो करना है अपने दम पे करना है, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। और जब हम अपने दम पे करते हैं ना भाई, तो फिर मज़ा ही अलग होता है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, ये हमारी टीम होगी। आज भी मैं अपने सारे काम अकेले करता हूँ, दूसरी यूट्यूब चैनल, एक वेबसाइट हैंडल करता हूँ, इतना सब कुछ सारी चीज़ें सीखना स्क्रैच से लेकर और फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहना, तो भाई इनमें बड़ा दिमाग खोटी होता है। बट जब आप अपने दम पे करते हैं बिना किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाए, तो भाई बड़ा मज़ा आता है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। तो ये फर्स्ट मिस्टेक थी मेरी जिससे कि मैंने ये सीखा। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जो कि मैंने करी, नॉट डूइंग माय ओन रिसर्च। जी हाँ, और इसका परिणाम तो भाई मैं आज तक भुगतता आ रहा हूँ। जैसे कि क्या होता था, कभी टीचर ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, किसी बड़े भाई ने बोल दिया जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। भाई सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी ने भाई बोल दिया कि भाई अर्थ जो है हमारी वो चपटी है, तो भाई मैंने वही चीज़ मान ली क्योंकि भाई वो कैसे गलत बोल सकते हैं, भाई पूरा विश्वास है मुझे तो उन पर। तो उसके बाद मैं कभी भी रिसर्च नहीं करता था, अपनी ओन रिसर्च नहीं करता था, बस जो उन्होंने बोला वो मान लिया। और फिर ऐसे करके जैसे मान लिया, वो चीजें तो मुझे याद हो गई। अब धरती तो गोल है, अब मैंने किसी के सामने जब बोल दिया कि भाई धरती तो चपटी है, तो फिर बड़ी बेइज्जती होती थी। और ये चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हुई, अभी भी आज तक भी होती है। बट हाँ, अब मैंने एक आदत पकड़ी है काफ़ी लंबे टाइम से। जब ये चीज़ें मेरे साथ बार 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 होती रही थी ना, तो मैंने एक आदत पकड़ी थी। और फिर जब इंटरनेट भी आ गया था, जियो वगैरह भी आ गया था, 2016 की बात है, तो उसके बाद मैं फिर अपनी ओन रिसर्च भी करता था। आज की डेट में भी अगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता या कोई कुछ भी बोलता तो मैं जल्दी से विश्वास नहीं करता, पहले मैं अपनी रिसर्च करता हूँ। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाऊँगा, तब तक मैं वो चीज़ किसी के सामने नहीं बोलूँगा कि भाई धरती चपटी है या गोल है। तो इस तरीके की चीजें होती है भाई, अपनी ओन रिसर्च करना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन बात कर लेते हैं मेरी नेक्स्ट टीनेज मिस्टेक के बारे में, इंट्रोवर्ट। जी हाँ, इसे भी मैं एक मिस्टेक ही कहूंगा या कह लें आप आदत भी। और ऐसे मेरे बहुत से भाई होंगे जो इंट्रोवर्ट होंगे, यानी कि अपने ही अंदर खुश रहना, अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल में खुश रहना, आंसर पता होते हुए भी क्लास में टीचर को ना बताना, चाहे मार खा लेंगे, अभी भी पार्टीज में नहीं जाना, नए लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल नहीं, नए लोगों से बात नहीं करना। तो ये चीजें जो होती है ना भाई, ये हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करवाती है। मैंने नोटिस करा कि ये चीजें हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करवाती, हमें अनकंफर्टेबल फील करवाती और इस दुनिया के बारे में हमें नई चीजें सीखने से बहुत रोकती है। ये चीजें मैंने खुद नोटिस करी, मैं भी इसी टाइप का एक इंसान था। और मैंने धीरे 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 टाइम के साथ फिर क्या हुआ कि मैंने खुद को बदलना स्टार्ट करा और आज देखे हजारों लोगों के सामने यहां पर बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं और इन्हें बता रहा हूं। और आज मैं सभी से कॉन्फिडेंटली बात भी कर पाता हूं और आज मैं नए लोगों से भी मिलता हूं, बहुत कुछ उनसे सीखता हूं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर चला गया है अब। तो भाई ये चीजें होती है, अगर आप भी ऐसे ही
खुद ही खुद में रहने वाले, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसे अवॉइड करो, मतलब नई चीज़ों पर भी ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हमारा कॉन्फिडेंस डाउन करती है ज़्यादातर केसेस में। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम अपने में ही रहना पसंद करते हैं, वो भी एक अलग बात है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक चीज़ है, बट फिर भी अगर आप शर्माते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करें, धीरे धीरे करें, टाइम लगेगा, बट भाई एक टाइम पर जाकर आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने आप को लेकर और खुद पर गर्व करोगे। देन अब बात कर लेते हैं मेरी नेक्स्ट टीनेज मिस्टेक के बारे में, नॉट लर्निंग एवरी डे। जी हाँ, टीनेज की जोश भरी जिंदगानी में हमें अक्सर कभी कभार ये लगने लग जाता है कि भाई आई एम द ओनली वन, एंड देयर वॉज अ टाइम जब मुझे भी ये लगने लग गया था कि आई एम द ओनली वन। और भाई बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे बड़ी जल्दी जमीन दिख गई थी और मुझे पता चल गया कि आई एम नॉट द ओनली वन। तो फिर भाई धीरे धीरे समझ आए और पता चला कि हम चाहे कितना भी सीख लेना, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम आज परफेक्ट बन गए तो भाई फिर कल का क्या, कल भी हम अगर वही रहे तो हमारी ज़िंदगी एकदम स्टक हो जाएगी। तो इसीलिए और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आई, शायद मैं वो वर्ड्स में ना समझा पाऊँ, ये चीज़ें एक्सपीरियंस वाली होती है। तो मैं क्या करता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, आप भी सीखते होंगे, मैं भी सीखता हूँ, बट कुछ लोगों की आदत हो जाती है भाई कि बिल्कुल नहीं, अरे मुझे ही सब आता है। भाई ऐसा नहीं होता, जितना भी ज्ञान मिले, चाहे वो छोटे बच्चे से मिले चाहे वो बड़े से मिले, कुछ ना कुछ डेली सीखता रहना चाहिए, और इसी का नाम ज़िंदगी है भाई, अपनी लाइफ में डेली इंप्रूव करना और आगे बढ़ना, ये हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। खुद डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूं और भाई इसके फायदे बेहिसाब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखे हैं। तो यही चीजें भाई, आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। सो बस गाइस, इतना था आज की वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।